नूर तुम करो सही कैम तो दिखाओ। नूर आ जा, नूर मामा के कैमरा में देखो, बोलो हाय। हाय एवरीबॉडी। हाँ सिंग कर सकते हो। आपका स्पाई एक्सपीरियंस कैसा था नूर? अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। तो निकाल दो, निकाल दिया, निकाल दिया, हाथ निकाल दिया। उनका तो आंटी माथा रगड़ रगड़ दी। अच्छा आंटी ने माथा रगड़ दिया। हाँ। ओहो ये तो प्रॉब्लम हो गई, फिर क्या करेंगे बात? अच्छा मोबाइल देख रही है। Hi Noor, wow, so sweet you're looking. This is my after bath look. Yes, your after bath look is so nice and so pretty. And now I'm ready for to do. अभी आपको भूख को लग गया है क्या Noor? हाँ, अच्छा हाँ डैडू, हाँ मुझे भूख को लगी है। डैडू को देखो Noor। नहीं उसको डैडू नहीं, उसको इधर उधर देखना है, हर जगह देखना है अभी। बता दो भाई हर जगह क्या हो रहा है मुझे बता दो। देखो मैं इसे कितना प्यार करती है, मेरे गाल पकड़ के बैठी हुई है। अब मेरे तो सुबह नोज में मुक्का मार दिया इसने। मैं बैठा लव करने, ठीक है मैंने बोला हाय नूर, ऐसे पंच कर दिया मेरे नोज पे। बॉक्सर बहुत तेज बॉक्स कर दिया। और देखो आंखों में नींद भरी पड़ी है, ऐसे करके सुला दो, ऐसे ऐसे करके। नहीं बिना खाए तो नहीं सोएगी। टेक्निक, स्लीपिंग टेक्निक। तुम क्या डिफरेंस देख रहे हो नूर में और कबीर में? मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा यहाँ पे। वो पिक्चर लगाओ गाइस, ये नूर की आज की पिक्चर है। मैं वो देखते ही सबको कह रही थी कि यार ये तो अब मेरे जैसे लगने लग गई है। और मैंने ये पिक्चर इंस्टाग्राम पे डाली, बट सबने बोला कि आपकी गलत फहमी है, बिल्कुल आपके ऐसी नहीं लग रही है। तो एक तो आप हमें इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसे नूर के क्यूट क्यूट मोमेंट्स डालते रहते हैं। और आप भी बताओ ये पिक्चर देख के कि थोड़ा सा तो शायद मेरी तरह लग रही है। अब आई थिंक इसके फेस का जो पूरा कट है वो मेरे पे आ रहा है, जबकि सब कह रहे हैं कबीर जैसी है। एक डिफरेंस जो हम कल डिस्कस कर रहे थे बिटवीन नूर एंड कबीर, कि कबीर जो है वो मिल्क विल्क में कभी इशू नहीं करा उसने। हाँ। बट नूर को थोड़ा बहुत इशू है। चंटो मासी। हाँ इसको जब दूध नहीं पीना होता है और नखरे करती है तो इसको चलाना होता है कि भाई एड शेरन का परफेक्ट गाना लगाओ। गाना सच में गाइस, मतलब एक गाना है परफेक्ट बाय एड शेरन, आप वो गाना चला दो और नूर को ऐसे मतलब ऊपर पंखा दिखा दो और नूर मतलब आप दूध दोगे तो दूध पी लेगी। उस टाइम पे आप कुछ भी दोगे ना। हाँ। वो कर लेगी, सोना है तो सो जाएगी, सो जाएगी वो। उसका हर बच्चे का मुझे लगता है एक ना कुछ कामिंग चीज होती है, तो नूर के लिए वो एक कामिंग सॉन्ग है। बट हमारा जो एक्सपीरियंस है कि म्यूजिक काफी कामिंग है। हाँ। कबीर के साथ भी हमने म्यूजिक काफी यूज किया, इनफैक्ट मटर्निटी से यूज किया म्यूजिक। और नूर के टाइम पे भी बर्थ से उसे हम म्यूजिक वगैरह सुना रहे हैं और वो बिल्कुल। ना इस पे मैं कोई भी बताना है कि काफी ऑब्वियसली काफी म्यूजिक होता है जो होता ही बच्चों के लिए, लाइक बेबी स्लीप म्यूजिक, बेबी लुलाबाइज, यू नो बेबी कामिंग म्यूजिक, व्हाइट नॉइज। ऑब्वियसली आप वो सब भी ट्राई करो बिकॉज वो एक्सपर्ट म्यूजिक बने हुए हैं इतने सालों से। बट कई बार ना ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका जो फेवरेट सॉन्ग है जो आप प्रेगनेंसी से सुन रहे हो या जो आप घर में सुनते हो, कई बार बच्चों को वो ही अच्छा लगता है और उन पे वही वर्क करता है। सो समटाइम्स यू नो सिंपल इज द बेस्ट। यस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमकॉम इंडिया व्लॉग्स। आई एम श्योर आप लोगों को काफी अजीब लग रहा होगा ये देख के कि गाड़ी में सिर्फ मैं और सौरभ हैं और पीछे कोई भी नहीं है, तो बच्चे कहाँ गए? सो दोनों बच्चे घर पे नानी के साथ हैं, बिकॉज हम दोनों को आज स्टेप आउट करना ही पड़ा। सो आइडली तो कबीर का बर्थडे आ रहा है, तो उसके बर्थडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉपिंग करना था, जिसके लिए सौरभ वेंट टू द मॉल ऑन सैटरडे, बट बहुत क्राउडेड था तो कुछ भी नहीं हो पाया। बट आज हमें निकलना पड़ा बिकॉज कल से कबीर का स्कूल ओपन हो रहा है। सो ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो रहा है, आई एम श्योर आपके बच्चों के भी हो रहे होंगे। तो ऑफलाइन स्कूल के लिए थोड़ी बहुत तैयारियां करनी है, इम्पॉर्टेंट चीजें लेनी है फ्रॉम अ स्कूल पर्सपेक्टिव, तो उसके लिए मॉल को विजिट कर रहे हैं। अगर आज बर्थडे का कुछ और भी मिला तो ले लेंगे, बट मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं तो क्योंकि वापस जाना है और फिर यू नो फीडिंग मॉम्स के पास ज्यादा विंडो नहीं होती है। तो इस 3 घंटे में हम क्या अचीव कर पाते हैं देखते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय दिस व्लॉग। फाइनली आफ्टर 3 months आई एम गोइंग टू द मॉल, आई कांट बिलीव इट यू नो। So I'm actually very happy and I'm gonna enjoy the view right now. I know it's crazy, बहुत ऐसे लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, but है guys, अगर आप इतने time से बाहर नहीं निकले हो ना तो ये बहुत बड़ी बात है। All that said is done, all that's done, gone under the sun. Won't you come with me? Fall in love like nothing matters except for us. Yeah, everybody
fall down once. Yeah, every lugger fall down once. Yeah, everybody fall down once. Yeah, every lugger fall down once. Hold it when it come. It ain't gonna stay when it drop it. When it fall down, pick that up. Hold it when it come. It ain't gonna stay when it drop it. When it fall down, pick that up. Sick of love slipping through fingertips. Watch that flame keep it flickering. All that bickering enveloped in bitter. चुप चुप के देखते हैं कि मानसी किससे बात कर रही है. मुझे लगा भी था कि तुम अपने आप से बात कर रही हो. अपने आप से नहीं, मैं इंस्टा स्टोरी पोस्ट कर रही हूं. अच्छा, सी मैं यहां पे बैठ के भी इंस्टा पे स्टोरी इमीडिएटली पोस्ट कर रही हूं. YouTube का ये वीडियो दो दिन बाद आएगा. तो गाइस यू शुड फॉलो अस ऑन Instagram. यप. So guys, finally the mall visit is over and it was very successful. But meri visit kabhi bhi khatam nahi ho sakti hai without a coffee. I love cold coffee and summers aa rahi hai, so I definitely wanted to pick up one. So yeah, isko pehle niche rakh dete hain. Very yummy. Abhi tak main taste se nikal nahi pa rahi hu. So guys, humne bahut sari shopping kar li hai dono bachon ke liye. Kabir ka birthday outfit mil gaya, school bag mil gaya, jo pouch chahiye tha stationery pouch wo mil gaya. Water bottle nahi mili because jo bahut achhi bottle mil rahi thi वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें लगा वी कैन कंटिन्यू विद दैट. एंड बहुत सारी और चीजें मिली. मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ. नूर के लिए भी कुछ कुछ क्यूट सी चीजें मिल गई हैं फॉर दिस फेब मार्च पीरियड. बट आई थिंक इट वाज प्रीटी सक्सेसफुल, राइट सौरभ? ओह यस. हम लोग बिल्कुल एजेंडा बना के आए थे कि हमें एग्जैक्टली क्या लेना है, कहाँ जाना है. सो वी न्यू द स्टोर्स जहाँ हमें जाना था. एंड एग्जैक्ट ढाई घंटे के अंदर हमारा सारा काम हो गया है. सो वी आर प्रीटी हैप्पी. बट देन फ्रॉम अ बजट स्टैंड पॉइंट, बजट बिल्कुल हिल गया है बिकॉज कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड होके हमने शॉपिंग कर ली. चीजें भी बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई. इस टाइम पे सेल नहीं थी एक्चुअली. मुझे लग रहा था सेल है बट मैक्सिमम स्टोर्स पे सामान खत्म हो चुका था. बहुत हल्की फुल्की सेल रह गई थी, तो हम ऑब्वियसली वी मिस द बस. लेट हो गए इस बार, बट ऐसे ही होता है. मतलब आई थिंक बच्चों के साथ आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप बच्चों के लिए थोड़ा ओवरबोर्ड हो जाते हो और तब क्या होता है कि आपका जो सेविंग्स होती है वो भी थोड़ी सी हिल जाती हैं, जो हमारे साथ होता है. काफी ओवरबोर्ड हो जाते हैं कभी कभार ना. या एंड गाइस, काफी लोगों को ना हमारा लाइफस्टाइल देख के व्लॉगिंग के थ्रू लगता है कि हम बहुत पैसे खर्चते हैं. एंड यू नो, मतलब या वी हैव अ वेरी लग्जूरियस लाइफस्टाइल. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम दोनों बहुत ही, मतलब हम सिंपल फैमिली से आते हैं. हमारे पेरेंट्स सर्विस में रहे हैं, तो ऑब्वियसली we are not born with a silver spoon या golden spoon, जो भी आप बोलते हो. we are not born with any spoon. तो जो कर रहे हैं अपने आप कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जो आपको नहीं दिखाई देती है in the form of a video. there's lots that happens in the background. you know, YouTube is not the only thing that we do. but when it comes to your kids ना, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार, यू नो, ले लेते हैं, कर लेते हैं, तब थोड़ी तंगी भी हो जाती है. बट फिर ऐसे लगता है कि नहीं, और मेहनत कर लेंगे एंड यू नो वी विल कवर अप फॉर इट. तो बस उसी तरीके से मैं और सौरभ लगे रहते हैं. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारी जो स्लीपलेस नाइट्स हैं वो सिर्फ बेबी की वजह से नहीं होती है. हमारी स्लीपलेस नाइट्स फॉर वर्क भी काफी टाइम से चलती आ रही है. तो हम दोनों को बिल्कुल आदत है 4-5 घंटे ही सोने की. एंड दैट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग स्टे. लॉन्ग टाइम. तो इसलिए जो हार्डवर्क है वो बहुत ज्यादा करना पड़ता है कुछ भी करने के लिए. और मुझे ऐसे लगता है कि अभी हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है. अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में और टाइम बहुत कम है बिकॉज एज हो रही है और खर्चे बहुत ज्यादा है. तो ठीक है, कर लेंगे. बट जब आप ऐसे मॉल जाते हो ना और कुछ अच्छी चीजें दिखती हैं, तो डेफिनेटली बच्चों के लिए तो एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज करने का मन नहीं करता. एक्चुअली कबीर और नूर जो है हमारी, मतलब एक तरीके से वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ है, बट एक तरीके से वीकनेस भी है, क्योंकि उनके लिए मन करता है कि यार ले लो यार, ये अच्छे लगेंगे, क्यूट लगेंगे. सबके साथ होता होगा. हाँ, आई एम श्योर. We are not the only parents who go a little overboard. Yeah. So yeah, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एंड वी आर श्योर दैट हम अपने ड्रीम्स भी पूरे कर पाएंगे, अपने बच्चों के भी कर पाएंगे और आपको भी हमारे थ्रू बहुत हेल्प मिलती रहेगी. तो आप भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिलीज के लिए करते रहोगे, राइट? अब घर चलते हैं और लास्ट के 5 मिनट जो घर तक के बचे हैं वो मैं और सौरभ थोड़ा गप्पे मार लेते हैं जो हमें बहुत कम टाइम मिलता है. एंड घर जाके आपको दिखाती हूँ द शॉपिंग हॉल. सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का, तारों का, सबका कहना है. योर टर्न सिंग. यू कांट सिंग. कैसे हम आए थे तो ये बिल्कुल बात नहीं कर रही थी ना. और सौरभ की देखो, गाना सुन के जैसे खुश है वो. और उसका डायपर ना फुल भरा हुआ है एक्चुअली. ओप्स. हाँ, डायपर भरा हुआ है. आपका डायपर चेंज कर देते हैं बाबी डॉल. क्या हो? कर रहा हूँ चेंज बाबा. हम आ गए हैं ना, अभी एक एक करके चेंज करेंगे हर चीज़. वो कह रहे मत गो.
इतना बेशरम मत गाओ, कह रही इतना बेशरम मत गाओ, मैं नहीं गाऊंगा, आई विल नॉट शेक.